हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विरेन्द्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो देखिए, अगर मैंने स्पीड की बात करी तो स्पीड के फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई, या इसी को हम लिखते हैं एन इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है, जहां पर एन इज स्पीड ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, वी जो है दैट इज अप्लाइड वोल्टेज, V is applied voltage, IA is armature current, RA is armature resistance, और phi जो है that is field flux, and K is proportionality constant। तो V हो गया अप्लाइड वोल्टेज, I हो गया आर्मेचर करंट, RA हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस और फाई हो गया फील्ड फ्लक्स। तो इसी तरीके से जो है स्पीड कंट्रोल जो है हम तीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए, तीन तरीके कौन कौन से हो जाएंगे। पहला मेथड हो जाएगा बाय चेंजिंग दिस आर्मेचर रेजिस्टेंस। इस आरए को अगर हम चेंज करेंगे तो स्पीड अपनी चेंज होगी। तो पहला मेथड हो जाएगा बाय चेंजिंग द आर्मेचर रेजिस्टेंस और इसको जो है हम आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल भी बोलते हैं, जिसमें हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को चेंज करके और स्पीड कंट्रोल करेंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा मेथड हो जाएगा फील्ड फ्लक्स चेंज करके। तो दूसरा मेथड हमारा हो जाएगा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल नाम से ही पता लग रहा है, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स चेंज करके हम इस डीसी मोटर की स्पीड को चेंज करेंगे। और तीसरा हो जाएगा बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल भी बोलते हैं। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज करके हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, एक सिंगल फॉर्मूले से ये बिल्कुल क्लियर है कि पहला मेथड हो गया जो मैंने बात बताई आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल, जिसमें कि हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को चेंज करके डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। दूसरा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, जिसमें कि फ्लक्स फाई को चेंज करके हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। और तीसरा बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज या आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, जिसमें हम इस वोल्टेज वी को चेंज करके जो है डीसी मोटर की स्पीड को जो है वो कंट्रोल करेंगे। अब हम वन बाय वन डिटेल में इनकी डिटेल की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं हम, जिसमें हम पहला मेथड बोल रहे हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, या इसी को हमने बोला था आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जब हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नाम से ही पता लग रहा है आर्मेचर में के रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो देखिए, डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूं, दिस इज आर्मेचर, जिसमें कि ये ए डबल ए और ये ऐसे है, इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया दिस इज आर ए। ये जो रेजिस्टेंस है जिसको अपन बोल रहे हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल या आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल, इसको मैं आर ई बोल देता हूं। और इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है दिस इज प्लस माइनस वोल्टेज वी, दिस इज करंट, इन द केस ऑफ डीसी मोटर द करंट इज इनकमिंग। और ये जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात कर रहे हैं तो दिस इज एफ डबल एफ, दिस करंट इज आई एफ एंड दिस वोल्टेज इज वी एफ। तो ये फील्ड का वोल्टेज हो गया, ये फील्ड करंट हो गए, ये फील्ड का टर्मिनल हो गया एफ डबल एफ, ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर में ए डबल ए, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। और इसमें जो एक्स्ट्रा जो मैं बोल रहा हूँ आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल, तो इस रेजिस्टेंस को चेंज करके हम डीसी मोटर की जो है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की जो है स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि जब यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे हम, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो मोटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो कम वोल्टेज मिलेगा, और अगर कम वोल्टेज मिलेगा तो स्पीड जो है वो डीसी मोटर की कम हो जाएगी। तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी, कौन सी? दिस इज आर्मेचर करंट, इस एक्सिस पे मैं आर्मेचर करंट बना रहा हूं, दिस इज आई ए, और इस एक्सिस पे जो है मैं स्पीड बना रहा हूं, दिस इज एन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बनाई थी वो डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की थी, स्पीड वर्सेस आई ए कैरेक्टरिस्टिक्स। जब मैं ये सीरीज रजिस्टर जोड़ दूंगा तो ये तो है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। जब मैंने कोई रियोस्टेट नहीं लगाया, जब हम आर्मेचर के रियोस्टेट में एक्स्ट्रा रियोस्टेट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब लगा देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की आ जाएगी? इस तरीके से, दिस इज विथ रजिस्टर। विथ रजिस्टर में देखिए क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्पीड क्या होती जा रही है? कम होती चली जा रही है। क्यों? इसका कारण मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा तो जो आर्मेचर को जो वोल्टेज मिल रहा है वो रिड्यूस हो गया, और आर्मेचर को अगर जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो रिड्यूस हो गया तो आपके मोटर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड जो है देखिए कम होती चली जा रही है। अगर ये है तो स्पीड ये है, आर्मेचर करंट बढ़ गई रजिस्टर के साथ में तो स्पीड आपकी जो है वो पहले ये थी, अब स्पीड रिड्यूस होके ये कम हो गई। लेकिन इस मेथड में क्या होता है? दो लॉसेज होते हैं। किस तरह के लॉसेज होते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाइंडिंग इंट्रोड्यूस करने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा आई स्क्वायर आर लॉसेज हो जाते हैं, जो वाइंडिंग लॉसेज जो हो जाते हैं। तो एक तो इसमें लॉसेज ज्यादा हो जाते हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या चीज है कि इस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि जो स्पीड है n इज इक्वल टू हमने देखा है v माइनस आई आर ए अपॉन के फाई। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है उसको हम बढ़ा ही सकते हैं, है ना? रेजिस्टेंस इसको जीरो नहीं कर सकते, यानी स्पीड जो है v माइनस आई आर ए हमेशा क्या होगा? रेटेड स्पीड से कम पे ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा ही सकते हैं। तो स्पीड को इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? रेटेड वोल्टेज से कम पे ही हम स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वो स्पीड हमें इस मेथड में नहीं मिल सकती है। तो ये दो ड्रॉबैक हैं बेसिकली, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल या आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल के। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा, सेकेंड मेथड है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का क्या मतलब है? क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कि वी वांट टू चेंज और वी वांट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर बाय द हेल्प ऑफ फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के केस में आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, ये आर्मेचर हो गया ए डबल ए, यहाँ पे जो है ये मोटर की बात कर रहे हैं तो दिस इज आई, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज वी, दिस इज बैक ई एम एफ ई बी, दिस इज आर्मेचर रजिस्टेंस आर ए। और फील्ड की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स हो गए एफ डबल एफ, फील्ड में करंट हो जाती है आई एफ, वोल्टेज है प्लस माइनस वी एफ। बिकॉज वी वांट टू चेंज द फील्ड फ्लक्स मेथड, तो फील्ड फ्लक्स मेथड में हम क्या करेंगे? फील्ड के साथ में सीरीज में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ए रेजिस्टेंस आर सी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस मैंने इंसर्ट कर दिया और इस तरीके से जो है रेजिस्टेंस को इंसर्ट करके और इसमें अपन चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ आर सी कैन बी चेंज, दैट इज इट कैन बी केप्ट एज वी रिक्वायर्ड। तो जब भी हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल से स्पीड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो देखिए मैंने क्या किया, अगर मैंने इस रेजिस्टेंस को चेंज किया, रेजिस्टेंस को बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो फील्ड करंट की वैल्यू कम होगी। फील्ड करंट अगर कम होगा तो फील्ड फ्लक्स कम होगा, और फील्ड फ्लक्स अगर कम होगा तो मुझे क्या पता लग रहा है? स्पीड आपकी मशीन की बढ़ जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन द केस ऑफ फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात कर रहे हैं कि हमने आर्मेचर साइड में तो कुछ नहीं किया, आर्मेचर का रेजिस्टेंस एंड अप्लाइड वोल्टेज। फील्ड साइड में हमने क्या किया? ए फील्ड रियोस्टेट और फील्ड रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन सीरीज विद फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को चेंज करके अगर मैंने इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो फील्ड करंट कम हो जाएगी। अगर फील्ड करंट कम हो जाएगी तो करंट कम होने की वजह से फील्ड फ्लक्स कम हो जाएगा, और फील्ड फ्लक्स अगर कम हो जाएगा तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें अगर मैं यह बात करूं कि दिस इज स्पीड एंड दिस इज टॉर्क, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, और यहां मैंने बोला दिस इज सपोज रेजिस्टेंस आर सी वन, दिस इज सपोज रेजिस्टेंस आर सी टू, दिस इज रजिस्टेंस RC3 और ये जो रजिस्टेंस है इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, मींस मैक्सिमम रजिस्टेंस RC1 है, उसके बाद RC2 और मिनिमम रजिस्टेंस R3 है। तो जैसे जैसे हम रजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं देखिए सेम टॉर्क पर स्पीड क्या होती जा रही है, स्पीड बढ़ती चली जा रही है। जो मैंने आपको बताया कि रजिस्टेंस अगर हमने बढ़ाते गए तो इसमें करंट कम होगी, करंट कम होने की वजह से फ्लक्स कम होगा और फ्लक्स कम होने की वजह से स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में रजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं आपकी स्पीड जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी स्पीड कंट्रोल होती जा रही है। लेकिन अब इस मेथड में भी क्या है देखिए कि जो स्पीड जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो हमें क्या मिल रही है, रेटेड स्पीड से ज्यादा ही मिलेगी। क्यों मिलेगी रेटेड स्पीड से ज्यादा, क्योंकि हम इसमें क्या बोल रहे हैं, n is equal to v minus IaRa upon K phi। तो फील्ड फ्लक्स को हम कम ही कर रहे हैं क्योंकि जितना फील्ड फ्लक्स कम होता जा रहा है स्पीड आपकी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मिनिमम फील्ड तो कुछ होगा ही होगा, उसके बाद हम फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो स्पीड हमेशा रेटेड स्पीड से ज्यादा मिलती है और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं सेम टॉर्क पे आपकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, यानी हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं बाय इंसर्टिंग ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। लास्ट मेथड है अपना स्पीड कंट्रोल बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो देखिए आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में हमें इसमें दिख रहा है n is v minus IaRa upon K phi। तो वोल्टेज को अगर हम चेंज करेंगे v minus IaRa, तो वोल्टेज को अगर हम चेंज करेंगे तो मशीन की स्पीड जो है वो चेंज होगी। तो आर्मेचर कंट्रोल का मेथड जो है वो तीन तरीके से किए जाते हैं, बाय वार्ड लियोनार्ड मेथड, बाय कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, और बाय सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल आर्मेचर कंट्रोल। इन तीन मेथड से जो है हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करते हैं।